Schluss beenden, also nach dem Exercise 5 gehen nächste Question. Round 3, Question von GT, Round 4 hai. If A vector, first part hai Round 4 ka. If A vector, B vector and C vector, B3 vector, such that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. Tin vector di hai, aur A plus B plus C, tino vector ka sum 0 di hai. And A vector ka magnitude 3, B vector ka magnitude 4, aur C vector ka magnitude 5 di hai. Then find the value of A vector dot B vector plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector. If A vector, B vector or C vector, B3 vectors such that A vector plus B vector plus A vector is equal to 0 and A vector magnitude 3 or B vector magnitude 4 or C vector magnitude 5. Then find the value of A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0. So, then we try A, B, C, 3 vectors such that A vector plus B vector plus C vector, then we have some 0 given hai, and A ka magnitude 3, B ka magnitude 4, or C ka magnitude 5. Then find the value of A dot B plus B vector dot C vector plus C vector dot A vector is equal to 0. So, हमारे पास है 3 vector, A vector, B vector और C vector B 3 vector है और तीनों vector का sum है 0, ठीक है? Simple side लेके चलते हैं A vector plus B vector plus उस side minus का C vector, ठीक है? अब हम इसको 3 vector तो पहले A से multiply करेंगे फिर B से और फिर C से तो पहले a वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर a वेक्टर डॉट c वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे a वेक्टर तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस a वेक्टर c वेक्टर a a a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a वेक्टर b वेक्टर इस साइड ये प्लस का हो गया a वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन ठीक है उसके बाद इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आया था a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर अब इसको हम b वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर तो इस किससे सम करोगे a वेक्टर b b के b वेक्टर डॉट b वेक्टर और माइनस b वेक्टर डॉट c वेक्टर अब ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये हो गया b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये माइनस का इस साइड प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 0 ये सेकंड उसके बाद हम इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c और माइनस c डॉट c इसके साथ करोगे a वेक्टर डॉट c
plus b vector root c ये माइनस का साइन प्लस के लिए सी टाइम वैल्यू प्लस के दे सकते हैं ये था ठीक है। अब इसमें हमारे पास गिवन था जो ए का मैग्नीट्यूड था 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 5। अब यहाँ ए का मैग्नीट्यूड रखो 3, 3 रखोगे यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी डॉट इज इक्वल टू 0, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ठीक है। उसके बाद जो सेकंड यहाँ है बी, बी कितना है 4, तो यहाँ रखोगे 4 की वैल्यू तो कितना हो गया 16, तो ये आपका ए वेक्टर बी वेक्टर 4 को यहाँ 16 और बी सी डॉट सी इक्वल टू 0, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपकी ए सी, उसके बाद है बी सी और सी आपका 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0, ये आपकी 6। ठीक है अब ऐड कर लेते हैं इसको 4, 5, 6 को एडिंग 4, 5 एंड 6 वी हैव ऐड करोगे देखो ए बी यहाँ बी ए बी है यहाँ ए बी ए बी यहाँ ए सी है यहाँ ए सी है यहाँ बी सी है बी सी तो कितने हो गए 2, 2 है सभी तो 2 ए वेक्टर 2 बी सी और 2 ए सी तीनों आ गए प्लस इनको ऐड करोगे 9 और 25 25 25 50 ठीक है। इसमें से कॉमन लेते हैं 2 तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी ए प्लस के साइड माइनस के ये मल्टीप्लाई में साइड डिवाइड में ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी मल्टीप्लाई में तो साइड डिवाइड कितना आ गया माइनस के 25 तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी माइनस के 25 ये हमें फाइंड आउट करना था ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस a dot c is equal to minus 25। second part है इसका 24 का। To the
तो हमारे पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दी है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दी है और c का 5 है, सच दैट ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू फाइंड कि जो ईच है प्रत्येक a b c तीनों प्रतीक है, जैसे a है a वेक्टर, जो a वेक्टर है अदर दो का सम के परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखोगे जैसे a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर आर परपेंडिकुलर to the sum of other two। कैसे, जैसे a वेक्टर परपेंडिकुलर है दूसरे b वेक्टर प्लस c वेक्टर के, अगर b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर प्लस c वेक्टर के, और अगर c वेक्टर है परपेंडिकुलर तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब पता है आपको जब परपेंडिकुलर तो a के डॉट b प्लस c वेक्टर किसके इक्वल होता है, जीरो इक्वल, और b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a वेक्टर प्लस c वेक्टर किसके इक्वल होता है, जीरो इक्वल, और c डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू जीरो। जैसे a किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, a डॉट b प्लस a c जीरो के इक्वल होगा, और या a भी लिख लो यार a वेक्टर b और b डॉट c ये भी जीरो के इक्वल, जो थर्ड है थर्ड कौन सा, ये a डॉट c प्लस b डॉट c वेक्टर, ठीक है, तो ये तीनों जीरो के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है a वेक्टर प्लस b c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें फाइंड आउट करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो a वेक्टर था वो आपका 3, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 4, और c
C vector da quello che non fai. अब इसके बाद रख दो ए वेक्टर है 3 का स्क्वायर बी है 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर ये हो गया 9 16 और ये 45 ये भी 50 अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर 50 आया है जब ये स्क्वायर उस साइड क्या बन जाएगा रूट टुकड़े कर लेते हैं इसके 25 और 2 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5 तो 5 रूट 2 आ ये हमें फाइंड आउट करना था आगे 25 सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए 4 एंड 2 नॉट 0 वेक्टर ए एंड बी ये शो करना कि ये दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है अगर ये 0 आता है एंटी डॉट प्रोडक्ट फिर तो ये परपेंडिकुलर है अगर 0 ना आए फिर परपेंडिकुलर नहीं है तो 25 है सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी माइनस बी ए 4 एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर तो ये दोनों वेक्टर हमें क्या दिखाने अगर 0 के इक्वल है तो सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं u वेक्टर ये मान लेते हैं a b वेक्टर प्लस b a वेक्टर और b वेक्टर हम मान लेते हैं a वेक्टर b वेक्टर माइनस b a वेक्टर ठीक है अगर u और v वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए वेक्टर का स्क्वायर और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ठीक है इसकी इसके साथ करोगे माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर तो अब इसकी इसके साथ करोगे बी वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस इसकी इसके साथ करोगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए वेक्टर का ए वेक्टर और ए वेक्टर इसके साथ ये कैंसिल हो गया अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो गया तो कॉम्पिटिटिव लॉ का आपको पता था ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए वेक्टर होता है ठीक है तो ये बराबर होता है तो ये भी 0 ये इसमें से ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर 0 और जब डॉट प्रोडक्ट आए तो दस यू इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर और यू वी वेक्टर हमारे कौन से थे ये और ये थे तो आपने एक्सरसाइज 5 के 24 के दोनों पार्ट और 5th क्वेश्चन फिर कॉपी में करने हैं